दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पे हैं और आज अमृतसर में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के कचरे को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहें तो पंजाब कांग्रेस के 25 विधायक और 2-3 सांसद कभी भी उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावे में कितना दम देते हैं? कितने थे उनके विधायक वहाँ पंजाब में और अब कितने रह गए? हम तो उन्हें कचरा नहीं मानते। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को ठुकराया और कांग्रेस में शामिल हुए, अपने संभल नहीं रहे पंजाब में, चले हैं दूसरों के बारे में बात करने। 2 महीने बात करने दीजिए, फिर लौट के आ जाएंगे दिल्ली। आपको लगता है कि हाल के दिनों में जो कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतर कलह रहा, ये एक बड़ा मौका और मुद्दा देता है दूसरी विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पे अटैक करने का? पंजाब कांग्रेस के जो हालात, कतई कोई अंतर कलह नहीं है। इसको अंतर कलह पेश किया जाता है विपक्ष द्वारा, वो करने दीजिए। हम अपनी पार्टी के लोकतंत्र पे हमें गर्व है और हमें तरीका मालूम है। आज के लिए 135 साल पुरानी पार्टी है, हमें अलग अलग विचारों को साथ लेकर चलना आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो दिल्ली मॉडल को ही, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, हर जगह दिल्ली मॉडल को एक सक्सेसफुल मॉडल बताते हैं और उसी मॉडल के आधार पे दूसरे राज्यों में जाते हैं। दिल्ली का क्या मॉडल है जहाँ दिल्ली के कॉलेजों में अध्यापकों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग मारे गए, दिल्ली में पोल्यूशन की ये स्थिति है कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई, दिल्ली में कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ा है सरकार को, ये मॉडल है? पंजाब की जनता इस मॉडल को स्वीकार करेगी? अरविंद केजरीवाल किसी गलत फहमी में जी रहे हैं, 2 महीने और जिएंगे इस गलत फहमी में। पवन जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता अलग अलग तरह से बयान देते हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ही नुकसान भी होता है। हाल का जो अभी राजनीति तिवारी की जो किताब आई है उसमें उन्होंने 26/11 के संदर्भ में जिस तरह का बयान दिया, तो आप लोग खुद मौका देते हैं? किताब मैंने पढ़ी नहीं है, रिलीज नहीं हुई, जब पढ़ेंगे रिलीज होगी तब इस पर चर्चा करेंगे। एक आखिरी सवाल, महंगाई के मुद्दे पर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आपको लगता है जनजागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है, शायद दिल्ली में आप लोग एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, जनता के नज़र में एक परसेप्शन बनाने की जिम्मेदारी जो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस की, क्या आप लोग उसमें सक्सेसफुल? आपने राजस्थान के उपचुनावों में नतीजा देखा, मैं वहीं से आता हूँ जहाँ ये चुनाव था, जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता। जनता में महंगाई एक मुद्दा है, भले ही सरकार इस मुद्दे पर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठी हो, भले ही उनके जो गोदी मीडिया है वो उनको बार बार यह कहता हो कि मुद्दा नहीं है, असलियत में अगर ये मुद्दा देखना है तो आपको राजस्थान के उपचुनाव के नतीजे में दिख जाएगा और आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। तो साफ तौर से पवन खेरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनका कहना है कि दिल्ली का मॉडल किसी दूसरे राज्य में कांग्रेस पार्टी के लिए उससे कोई नुकसान नहीं होगा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो चाह रही है और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें कह रहे हैं उस पे पंजाब की जनता का भरोसा नहीं। कैमरामैन आकाश के साथ अजय जैन, दैनिक सवेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पे हैं और आज अमृतसर में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के कचरे को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहे तो पंजाब कांग्रेस के 25 विधायक और 2-3 सांसद कभी भी उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावे में कितना दम देते हैं? कितने थे उनके विधायक वहाँ पंजाब में और अब कितने रह गए? हम तो उन्हें कचरा नहीं मानते। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को ठुकराया और कांग्रेस में शामिल हुए, अपने संभल नहीं रहे पंजाब में, चले हैं दूसरों के बारे में बात करने। 2 महीने बात करने दीजिए, फिर लौट के आ जाएंगे दिल्ली। आपको लगता है कि हाल के दिनों में जो कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतर कलह रहा, ये एक बड़ा मौका और मुद्दा देता है दूसरी विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पे अटैक करने का? पंजाब कांग्रेस के जो हालात, कतई कोई अंतर कलह नहीं है। इसको अंतर कलह पेश किया जाता है विपक्ष द्वारा, वो करने दीजिए। हम अपनी पार्टी के लोकतंत्र पे हमें गर्व है और हमें तरीका मालूम है। आज के लिए 135 साल पुरानी पार्टी है, हमें अलग अलग विचारों को साथ लेकर चलना आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो दिल्ली मॉडल को ही, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, हर जगह दिल्ली मॉडल को एक सक्सेसफुल मॉडल बताते हैं और उसी मॉडल के आधार पे दूसरे राज्यों में जाते हैं। दिल्ली का क्या मॉडल है जहाँ दिल्ली के कॉलेजों में अध्यापकों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग मारे गए, दिल्ली में पोल्यूशन की ये स्थिति है कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई, दिल्ली में कोर्ट ने
जिस तरह से लताड़ा है सरकार को, ये मॉडल है। पंजाब की जनता इस मॉडल को स्वीकार करेगी। अरविंद केजरीवाल किसी गलत फहमी में जी रहे हैं, दो महीने और जिएंगे इस गलत फहमी में। पवन जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता अलग अलग तरह से बयान देते हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ही नुकसान भी होता है। हाल का जो भी आज मनीष तिवारी की जो किताब आई है, उसमें उन्होंने 26/11 के संदर्भ में जिस तरह का बयान दिया, तो आप लोग खुद मौका देते हैं? किताब मैंने पढ़ी नहीं है, रिलीज नहीं हुई है। जब पढ़ेंगे, रिलीज होगी, तब इस पर चर्चा करेंगे। एक आखिरी सवाल, महंगाई के मुद्दे पर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आपको लगता है जनजागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है, शायद दिल्ली में आप लोग एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, जनता के नज़र में एक परसेप्शन बनाने की जिम्मेदारी जो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस की, क्या आप लोग उसमें सक्सेसफुल? आपने राजस्थान के उपचुनावों में नतीजा देखा, मैं वहीं से आता हूँ जहाँ ये चुनाव था, जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता। जनता में महंगाई एक मुद्दा है, भले ही सरकार इस मुद्दे में शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठी हो, भले ही उनके जो गोदी मीडिया है वो उनको बार बार यह कहता हो कि ये मुद्दा नहीं है, असलियत में अगर ये मुद्दा देखना है तो आपको राजस्थान के उपचुनाव के नतीजे में दिख जाएगा और आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। तो साफ तौर से पवन खेरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि दिल्ली का मॉडल किसी दूसरे राज्य में कांग्रेस पार्टी के लिए उससे कोई नुकसान नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो चाह रही है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें कह रहे हैं उस पर पंजाब की जनता का भरोसा नहीं। कैमरा पर्सन का साथ अजय जी, दैनिक सवेरा। अलीशा बेगम, एक औरत दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानियत काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ, की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनपन, जा दुटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ, जा तुड़वाओ, रुसे नू मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान, 98199-37467। मेरे बापू ते मेरी मां ने सारी उम्र अपने आप नूं भुल के मैनू मेरी जिंदगी विच पौड़ी पौड़ी चढ़ना सिखाया, मेरी हर मुश्किल नूं हर कीमत ते हल कीता उन्होंने, मैं उन्हां दा देना सारी जिंदगी नहीं भुल सकता, जिवें ओह श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं भुल सकदे, श्रोमणी अकाली दल शुरू तों ही उन्हां दी ते सारे पंजाबियों की मां पार्टी रही है, कदे ओह बुरे लगदे ने ते कदे चंगे, पर मां बाप कदी बदले नहीं जाते।